हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने फर्स्ट मेथड स्टैंडर्ड क्लास में कंप्लीट की थी, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसी से रिलेटेड मैंने उसके पहले आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो थे, इट मींस दैट एग्जांपल्स, वो होमवर्क के लिए कुछ दिए थे। फाइव एग्जांपल्स आई होप कि आपने ट्राई किए होंगे। मतलब नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाना था, तो उसके अंदर में जो भी थे तो ये वन बाय वन आप देख लीजिए, ताकि फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या था जो होमवर्क के तौर पे था, जिसके आंसर्स आप देख लीजिए, आपने ट्राई किए होंगे तो भी ठीक है, नहीं तो यहां से चेक किए। पहला जो था पेंटेन 1,4-diol, मतलब पेंटेन था और वहां पे 1,4-diol, इसका मतलब क्या है कि पैरेंट है, मतलब पेंटेन मतलब 5 कार्बन रहेंगे और उनके अंदर में फर्स्ट और फोर्थ नंबर के कार्बन को OH ग्रुप लिंक करेगा। देखिए आप ये चेन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहां पे फर्स्ट है OH, मैंने ये साइड में लिया, कोई बच्चे जो है उन्होंने OH ये साइड में लिया होगा तो ये यहां पे उनका OH आया होगा। व्हाट द पॉइंट, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर था CH3CHOH CH2CH2CH2OH, क्लियर। तो ये है आपका पेंटेन 1,4-diol। यहां पे एक पॉइंट क्या नोटिस करना था कि लास्ट इको एज इट इज रखना था, क्योंकि दो OH ग्रुप थे, मतलब डायऑल, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट वन था 2-methylbutene-2-ol, मतलब यहां पे ब्यूटेन है, मतलब फोर कार्बन्स में सेकंड नंबर के कार्बन को जो था वो मिथाइल ग्रुप लिंक रहेगा और दो नंबर के ही कार्बन को OH ग्रुप भी लिंक रहेगा, दैट इज CH3C CH2CH3। मतलब देखो फोर कार्बन की चेन है, यहां पे CH3 और OH सेकंड नंबर के कार्बन का, मतलब नंबरिंग मैंने ये साइड से किया तो ये, कुछ बच्चों ने ये साइड से नंबरिंग किया होगा तो ये वाले CH2 को CH3OH लिंक रहा होगा, क्लियर। ये था सिंपल सा सेकंड एग्जांपल, दैट इज 2-methylbutene-2-ol, ठीक है। नाउ थर्ड वन देखिए 3-methoxyhexane, मतलब क्या आपको क्या लेना है, 6 कार्बन हेक्सेन, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन मिथॉक्सी मतलब लेस नंबर कौन सा है, मीथेन, और ऑक्सीजन जो है दैट इज ईथर ग्रुप, वो लिंक है ऑक्सीजन को और मिथॉक्सी है, लेकिन कौन से नंबर के कार्बन को, 3 नंबर का कार्बन जो हेक्सेन का होगा और उससे ईथर ग्रुप आपका लिंक होगा। मतलब देखो 1, 2, 3, अगर यहाँ पे अगर ये साइड से आप लिंक करते हो तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, मैंने ये साइड से किया तो यहाँ पे आया तो 3 नंबर का OCH3, दैट इज मिथॉक्सी, और थर्ड नंबर के कार्बन को दैट इज 3-methoxy, क्लियर। नाउ फोर्थ वन, इसमें मैक्सिमम बच्चों को थोड़ी गड़बड़ी हुई है, देखो क्या करना पड़ा आपको, साइक्लोहेक्सेन, मतलब कितने कार्बन निकालना है, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, मतलब एक रिंग निकालनी है, उसमें क्या करना है आपको, साइक्लिक चेन बनानी है। देखो साइक्लिक चेन क्या होगा, हेक्सेन मतलब बेंजीन रिंग के समान ही रहेगा, 6 कार्बन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है। वहां पे उन्होंने क्या बोला, इन वन ऑल, मतलब फर्स्ट नंबर, मतलब मैंने यहाँ पे वन नंबर ले लिया OH, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। लेकिन उसके पहले कंडीशन उन्होंने दी है कि टू इन EN, मतलब क्या होगा, इन का मतलब होता है दो नंबर के कार्बन को, ये तो बन गया आपका रेफरेंस पॉइंट, ये दो नंबर का कार्बन, तो दो नंबर के कार्बन को EN है, EN का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, मतलब सेकंड नंबर के कार्बन को यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लिंक रहेगा, डबल बॉन्ड लिंक रहेगा, दैट इज व्हाट दिस वन स्ट्रक्चर, मतलब साइक्लोहेक्स 2 इन वन ऑल, क्लियर। और लास्ट एग्जांपल था 1-phenyl propane-2-ol, इसका मतलब क्या होगा, प्रोपेन लेना है, प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1-2-3 कार्बन, और 3 कार्बन में से प्रोपेन का जो पहला कार्बन है उसे क्या रहेगा, एक फिनाइल ग्रुप लिंक रहेगा। फिनाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ में जो ये ग्रुप है, मतलब वन हाइड्रोजन लेस, दैट इज कॉल्ड फिनाइल, तो ये लिंक रहेगा। देखिए 1, 2, 3 मैक्सिमम लिया कभी कभार, मैंने ये साइड में लिंक किया है CH2, ये फिनाइल ग्रुप है C6H5, और उसी प्रकार अगर यहाँ पे CH3 है तो आप ये साइड में CH2 और ये रिंग लिंक कर सकते हो, समझ में आया। तो ये था 1-phenyl propane-2-ol, ये ऐसे एग्जांपल्स थे जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे, ठीक है। अब इसका फट से एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करें, दैट इज बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। चलो अब बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम सेकंड मेथड देखते हैं। पहली मेथड हमने क्या कंप्लीट की थी, अल्काइल हैलाइड्स से हम अल्कोहल को ऑब्टेन करते थे। सेकंड मेथड देखो, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन है मतलब अल्कीन से आपको अल्कोहल ऑब्टेन करना, मतलब एग्जाम में आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, हाउ विल यू ऑब्टेन, ठीक है, या फिर हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, मतलब अल्कोहल को आपको जनरेट करना है, तैयार करना है अल्कीन से, तब आपको एक ही मेथड वहां पे याद रखनी है, कौन सी, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एसिड का कैटालाइज करना है, मतलब एसिड का यूज करके हम उसे कैटालाइज करेंगे,
मतलब थोड़ा सेपरेट करेंगे, मतलब आइस को सेपरेट करेंगे बाद में, बट हमें क्या करना है हाइड्रेशन। कौन सा वर्ड है यहाँ पे? हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब जहां पे भी एशियन होता है, मैंने आपको बताया था हैलोजन डेरिवेटिव में जो भी वर्ड में एशियन वर्ड लगता है, एशियन का मतलब होता है एडिशन, तो हाइड्रेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्किन लेना है, अल्किन को एसिड कैटालाइज करना है, बाद में हाइड्रेशन करना है, तब जाके आपको अल्कोहल मिलेगा। इट मीन्स दैट ये जो प्रोसेस करनी है इसके अंदर आपको टू स्टेप करनी है, मतलब ये जो मेथड है ये टू स्टेप वाली है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे जो बाय एसिड कैटालाइज है, तो इसमें पहला क्या पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जो अल्कीन है, अल्कीन रिएक्ट्स विथ, जो अल्कीन है सबसे पहले हम एसिड के साथ उसे रिएक्ट करेंगे, और एसिड क्या यूज करेंगे? H2SO4। तो अल्कीन रिएक्ट्स विथ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटिक, कौन सा एसिड यूज करना आपको? कोल्ड कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 टू फॉर्म, जब हम उसके रिएक्शंस करेंगे, अल्किन की रिएक्शन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 के साथ में करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? तब आपको मिलेगा बेटा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये प्रोडक्ट आपको सबसे पहले मिलेगा। बाद में जब हम ये यूज करेंगे, तो ये जब यूज करते हैं, जब अल्किन की रिएक्शन हम एसिड के साथ में करेंगे, एसिड कैटालाइज के साथ में करते हैं, तो ये जो होता है इट फॉलोज मार्कोनिकोव्स रूल। कौन सा? मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, अब मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है? जो मार्कोनिकोव्स रूल होता है उसमें जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट होता है वो लेस नंबर वाले हाइड्रोजन के साथ में लिंक होता है, और पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कार्बन से रिलेटेड होता है उसे वो लिंक रहता है। ये हमने पढ़ा इसके बारे में कि मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है। तो जब हम एसिड कैटालाइज करेंगे बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, तो उसके अंदर में जब हम अल्किन की रिएक्शन एसिड के साथ में करेंगे तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, बाद में वो क्या फॉलो करेगा? मार्कोनिकोव्स रूल ही फॉलो करेगा। बाद में हमें क्या करना है? थर्ड पॉइंट, विच ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, मतलब उसके अंदर में हम क्या करेंगे? एडिशन ऑफ वाटर, तब जाके आपको क्या मिलेगा? टू गिव अल्कोहल। पॉइंट समझ में आया क्या? क्या मैंने सबसे पहले अल्किन लिया, अल्किन की रिएक्शन एसिड के साथ में की, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिला? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिला। फिर हमने वहां पे यूज क्या किया? मार्कोनिकोव्स रूल। बाद में हमने क्या किया? जो प्रोडक्ट आपको मिला उसी के साथ में हाइड्रोलिसिस किया, मतलब एडिशन ऑफ वाटर किया, मतलब डाइल्यूशन किया, तब जाके आपको क्या मिला? अल्कोहल मिला। इट कंप्लीटेड, ठीक है, अगर हम देखे इट कंप्लीटेड द रिएक्शन इन टू स्टेप। कितने स्टेप की रिएक्शन है ये? टू स्टेप की रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमने किया क्या। सबसे पहले बता लिया हमने अल्कीन, क्या लिया? अल्कीन, ठीक है, यह है आपका अल्कीन, इसका नाम है प्रोपीन। ठीक है, इसके साथ में हमने रिएक्शन किसकी की? H2SO4 की। ठीक है, और क्या यूज किया? मार्कोनिकोव्स रूल। कौन सा रूल यूज किया यहाँ पे? मार्कोनिकोव्स रूल। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना, जो हम H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसे कैसे लिखेंगे? तो उसे ये पैटर्न में लिखेंगे, HOSO3H, ये ध्यान में रखना। ये पैटर्न में आपको क्या करना है? वो यूज करना, मतलब लिखना है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये H प्लस है और ये माइनस होगा। ठीक है, मतलब कैटालाइज होगा, हमें एसिड कैटालाइज करना है, मतलब एसिड के साथ में उसे कैटालाइज करना, मतलब एसिड का यूज करके। तो देखो कोई फर्क हो गया, H2SO4 को मैं ऐसे लिखता हूं H और H, H2SO3 और A, मतलब SO4। ठीक है, अब देखो यहां पे फॉलो क्या होता है बेटा? मार्कोनिकोव्स रूल। क्या फॉलो होता है? इट फॉलोज मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे जगह नहीं है तो मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं, आप थोड़ा सा लिखना बराबर। ठीक है, देखो अब ये डबल बॉन्ड अगर मैंने ब्रेक डाउन किया तो क्या होगा? ये CH3 जैसा का वैसा। ठीक है, बाद में ये CH जैसा का वैसा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा आएगा? सिंगल बॉन्ड। ये CH2 है, ये कौन है? CH2। अब ये जो डबल बॉन्ड बना था, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इसमें इन्वेस्ट हुआ था,
मतलब इसकी एक वैकेंसी खाली होगी और इसकी भी एक वैकेंसी खाली होगी, क्लियर। और यहाँ पे जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड किया तो आपको रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोब्स रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच्ड टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन है, CH है और CH2 है, तो लेस नंबर CH, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आएगा कौन सा, O SO3 H, ये पार्ट अटैचमेंट होगा, और यहाँ पे कौन जाएगा पॉजिटिव पार्ट, मतलब ये H होगा। पॉइंट समझ में आया। अब इसका नाम जो है ये क्या रहेगा, इसका नाम, इसका नाम बनेगा बेटा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, तीन कार्बन है, मतलब ये होगा आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होगा इसका, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। नाम क्या बना इसका, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट स्टेप। यहां पे अगर आप CH2 की जगह CH3 भी लिख लो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपकी फर्स्ट स्टेप। अब आपको करना क्या है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, टू गिव डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन विद वाटर। क्या करेंगे हम यहां पे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब डाइल्यूशन विद वाटर, डाइल्यूशन विद वाटर। वाटर को हम कैसे लिखेंगे, H OH, मतलब यहाँ पे H प्लस होगा, OH माइनस होगा। डाइल्यूशंस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब वाटर के अंदर उसको डाइल्यूट करेंगे। तो रिएक्शंस क्या होगी, ये प्रोडक्ट जैसा का वैसा ले लो। देखो क्या है, CH3 CH, अब ये CH2 H को मैं CH3 लिख देता हूँ, मतलब सेम टू सेम। यहाँ पे क्या आपका O SO3 H, ठीक है। अब ये किसके साथ में रिएक्ट होगा, H और OH के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हम इसको हीट प्रेजेंट मतलब प्रोवाइड करेंगे। अब यहां पे एक्चुअली होगा क्या, देखिए अब यहां से ये क्या होगा, ये रिप्लेस होगा, ठीक है। और ये रिप्लेस होने के बाद यहां पे H इसके साथ में ऐड हो जाएगा, मतलब ये H प्लस है और OH माइनस है ना। अब ये जो था ये कौन है बेटा, ये आपका नेगेटिव पार्ट था, देखिए ये नेगेटिव पार्ट जो सब्स्टिट्यूट हुआ था। अब ये नेगेटिव के साथ में यहां का कांटेक्ट होगा पॉजिटिव, मतलब ये H इसके अंदर में आएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, उसके जगह पे ये OH सब्स्टिट्यूट होगा, तो क्या मिलेगा यहां पे CH3 CH, फिर नीचे आएगा OH और फिर यहां पे रहेगा CH3 प्लस, और ये जो है H फिर से इसके अंदर में आएगा H2SO4 H2SO4, मतलब ये जो मिला ये कौन है आपका 1 2 3 3 है, तो ये होगा प्रोपेन टू ऑल, मतलब ये हो गया बेटा आपका अल्कोहल, कौन हो गया आपका अल्कोहल। अब यहां पे एक चीज आपको नोटिस होगी कि जब भी हम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्किन करते हैं तो सबसे पहले टेक्निक यहां पे ध्यान में रखना, अगर मान के चलो मैंने a प्लस b लिया तो ये जो b है ये a को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, a को कन्वर्ट करेगा और वापस अपना जो b कंपाउंड है वैसा का वैसा ही मिलेगा। कैसे, देखो हमने क्या किया, एसिड कैटालाइज के अंदर में ये आपका कौन है, अल्कीन है, ये कौन है आपका अल्की, ये कौन है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके साथ में जब रिएक्शन की तो आपको मिला आपका अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिला, मतलब SO इसका नाम हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, H2SO4 मिला, मतलब यूज किया, बाद में कुछ अलग सब्सटेंस मिला, बाद में फिर से एडिशन ऑफ वाटर किया, मतलब डाइल्यूशन किया, बाद में फिर से हमारा क्या मिल गया, वापस हमारा H2SO4 जैसा का वैसा वापस है, मतलब सब्सटेंस को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, ये एसिड कैटालाइज का यूज किया। तो इसमें सिंपल क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, मतलब अल्कीन से आपको अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, ये मेथड यूज करनी है। आई होप कि आपको समझ में आया, पट्ट से हमें क्या करते हैं इससे रिलेटेड ना एक एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है, सेम टॉपिक से रिलेटेड है। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, आपको क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है व्हेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, कौन सा सब्सटेंस लेना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल, मतलब आपको दिया गया 2 मिथाइल ब्यूटेन से आपको अल्कोहल लेना है, लेकिन कौन सी मेथड यूज करना है, बाय यूजिंग एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। अब एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में हमने क्या देखा कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में हमने सबसे पहले देखा अल्कीन के साथ में एसिड यूज करते सल्फ्यूरिक एसिड, बाद में यूजिंग मार्कोनिकोब्स रूल, बाद में हम क्या करते सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जाके हमें अल्कोहल मिलता। अब उन्होंने क्या किया, अल्कीन के जगह हमें अल्कीन ही दिया लेकिन कुछ अलग से नाम दिया, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में आपको जैसा का वैसा लिखना है, जैसे यहाँ पे अल्कीन बोला है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन इज
react with, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, react with cold concentrated sulfuric acid from alkyl hydrogen sulfate मिलेगा, फिर follows Markovnikov's rule करेंगे, which on hydrolysis to give alcohol, and ये same point लिखेंगे, उसके बाद में reactions लिखेंगे, ठीक है? तो पहले यहाँ पे आपको point same लिखना, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो बताएंगे नाम का structure बनाना आना चाहिए। उन्होंने क्या बोला, but to ही मतलब चार कार्बन है, 1, 2, 3, 4, ठीक है? 4 में दो नंबर के कार्बन पे कौन है, CH3 अटैचमेंट है, मतलब 2 मिथाइल ये बन गया। अब इधर से आते तो ये बनेगा, ठीक है? अब सीधा सीधा ही चलते हैं, अभी सीधा सीधा ही चलना, ठीक है? तो सेकंड नंबर पे मिथाइल आ गया, बाद में ब्यूट 2 बोला है, 2 मतलब ये वाला कार्बन, दो नंबर, तो इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और बाकी हाइड्रोजन के वाले से फुलफिल कर लीजिए। यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे CH3 यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे कौन आएगा, 2 और 1, यहाँ पे आएगा CH और यहाँ पे आएगा फिर से CH3। समझ में आया, CH3 सी डबल बॉन्ड सी है, CH3 और CH3, इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। पॉइंट समझ में आया, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब रिएक्शन किसके साथ में करनी है, H2SO4, और यूजिंग क्या करना आपको, Markovnikov's रूल, कौन सा रूल यूज करना है, Markovnikov, और H2SO4 को कैसे लिखना, मैंने आपको पहले बताया क्या लिखना, HOSO3H, ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट। चलो जैसे वहां पे क्या सेम टू सेम यहां पे क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये क्या हो गया CH3C, ये C, नीचे CH3 जैसा का वैसा, यहां पे डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जैसी हुआ ये CH और ये CH3, ठीक है? अब यहां पे देखो ये CH था और ये C, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड था, जैसी बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बॉन्ड इसका उसने वापस ले लिया, दूसरा बॉन्ड इसने अपना वापस ले लिया। समझ में आया? अब हमें करना क्या है, यूजिंग Markovnikov's रूल। Markovnikov's रूल क्या बोलता है आपका, क्या बोलता है कि जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसके पास नेगेटिव पार्ट जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, कोई भी नहीं है, यहाँ पे एक है, मतलब ये लेस हुआ, तो यहाँ पे आएगा OSO3H और यहाँ पे जाएगा H। समझ में आया? मतलब ये कौन बना आपका, ये बना अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, ठीक है? अब यही हमें, यही प्रोडक्ट लेके आपको क्या करना है, डाइल्यूशन विद वॉटर करना है। क्या करना है, डाइल्यूशन विथ वॉटर, ठीक है? मतलब हम क्या करेंगे, वॉटर का एडिशन, H+O-, ठीक है? अब क्या होगा, प्रोडक्ट देखो अपना कौन सा है, CH3C, ऊपर में कौन बेटा, OSO3H, नीचे है CH3। अब इसको मैं लिख देता हूँ CH2 और इसी देखो CH मतलब CH को और EH मतलब CH2। अब इसके अंदर में मुझे क्या करना है, इसके अंदर में करना है H और OH का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है? अब क्या होगा, ये जो पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है, ये H+ है और ये OH- है, ठीक है? अब ये H+ के साथ में कंबाइन होकर H2SO4 बनाएगा और इसके जगह पे क्या आएगा, ये OH आ जाएगा। मतलब क्या होगा, ये CH3C, यहाँ पे C, CH2, CH3, नीचे CH3 जैसा था वैसा, ऊपर में OH और बाहर मिलेगा H2SO4। तो इसका नाम क्या बनेगा, तो इसका नाम बनेगा जो आपका अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल बनेगा, देखो 1, 2, 3, 4 है, 4 है, तो 4 के जगह पे मतलब ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन की जगह ऑल है सेकंड नंबर पे, मतलब ब्यूटेन टू ऑल होगा, और यहाँ पे CH3 दो नंबर के कार्बन पे, तो इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल। क्या नाम बनेगा इसका, 2 पे मिथाइल ग्रुप लिंक है, चार कार्बन वाला कौन, ब्यूटेनल, लास्ट की को रिप्लेस करेंगे, दो नंबर के कार्बन को OH है, तो ये नाम बना इसका 2 मिथाइल ब्यूटाइन टू ऑल। मतलब हमने 2 मिथाइल ब्यूट टू इन से 2 मिथाइल ब्यूटाइन टू ऑल ये कंफर्म क्या किया, ऑब्टेन किया। तो इससे रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये थी बेटा आपकी सिंपल सी सेकंड मेथड बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इसमें करना कुछ नहीं, बस ये चारों पॉइंट जो मैंने बताए वो अच्छे से ध्यान में रखना और Markovnikov's रूल ये ध्यान में रखना, ठीक है? इसके बाद जो थर्ड मेथड जो है आपकी हाइड्रोबोरेशन वाली, वो भी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन ही करनी है, तो वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।